अब वो 400 बार करें या 4000 बार पार करें, उनके उनके पास में ईवीएम है, ईवीएम की वजह से वो 400 पार करने की सोच रहे हैं। ये हालत खराब है, मोदी जी पानी पी के चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं कि 400 पार है, 400 पार है, उनकी 400 हार है। उनकी सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है। पुनिया वाला कांड हुआ, उसके बाद जो है निकासन हुआ, हाँ कितने कांड हुए हैं, हर तरीके से इनकी सरकार में सब कांडे तो होते हैं भाई। हिंदुस्तान में हर इनके नेता इतने फेमस हैं अपने कामों से कि उसमें बताने को जुड़ते नहीं। सरकार ही है बीजेपी के बनाएंगे, विपक्ष खिलाफ हो जाए चाहे ना खिलाफ हो जाए, लेकिन मोदी जी हमारे नंबर वन रहेंगे। सपा ना बीजेपी, जो काम किए और जो किसके थे, किसने किए, किसका नाम लग गया, आएंगे मोदी, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। आएंगे जनता के बीच उतरे हैं लखीमपुर खीरी में, आइए जनता के बीच चलते हैं, पूछते हैं जनता का क्या मूड है। तो इस बार किसका माहौल लग रहा है? लखीमपुर जनपद में समाजवादी पार्टी नंबर एक पर है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बहुत ही जुझारू और नौजवान है, उसके पक्ष में यहाँ पर सारी जातियों, सारी धर्मों के लोग संपर्क में है और उसको मतदान करने के पक्ष में है। अब वो 400 बार करें या 4000 बार पार करें, उनके उनके पास में ईवीएम है, ईवीएम की वजह से वो 400 पार करने की सोच रहे हैं, लेकिन अब जनता उनको नकार चुकी है और आने वाले भविष्य में और चुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनका काला मुंह होकर जनता में नहीं जाएगा। हमारे जनपद में ये 400 पार वाली बात नहीं चल रही है, हमारे जनपद में भूख और बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, हमारे जनपद में बाढ़ के मुद्दे हैं, हमारे जनपद में किसानों का मुद्दा है, हमारे जनपद में बेरोजगारों का मुद्दा है। चुनाव जो हो रहा है इंडिया गठबंधन का और माननीय अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में, पूरे भारत में एक लहर चल रही है। आपको देख रहे हो चुनाव का माहौल क्या है, वोटर कहीं बोल रहा है, जब हमारे वहाँ 13 मई को चुनाव होगा, यहाँ हम दोनों सीटें लोकसभा खीरी और लोकसभा मोरारा दोनों सीटों पर हम जीत रहा हूँ। कल 102 सीटों पे चुनाव हुआ है, आप देख लीजिए उठा के कि हालत ख़राब है। मोदी जी पानी पी के चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं कि 400 पार है, 400 पार है, इनकी 400 हार है, कहीं से नहीं जीत रहे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव की महंगाई और बेरोजगारी पे और ये सीबीआई ईडी फर्जी मुकदमे लगाना, तो लोकतंत्र की हत्या करना, इसको इस पे चुनाव होगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि चुनाव जो होगा इस 2024 वाला, ये जनता चुनाव लड़ रही है। जो है लखीमपुर में ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल रिकॉर्ड बना दिए, जैसे गुरु नानक स्कूल वाली जो पटरी है बाईपास, जनता बहुत परेशान थी, बहुत बड़ा काम किया, और सैदरी बाईपास जो बनाया है, ये एक जो है समझ लीजिए लखीमपुर जिले का बल्कि बहुत बड़ा काम है, लोगों को जो है इसका बहुत बड़ा फायदा मिला, जो जाम का जो मामला था उससे निजात मिली, ये बहुत बड़ा काम हमारे विधायक जी जो है बहुत बड़ा काम किए थे, हाँ 2013 में जो है बहुत बड़ा काम किए थे जी। और उनका जो एक मामला है वो बिल्कुल अलग हटके है, बहुत जो है नेचुरल नेचर है उनका, बहुत साफ सुथरी छब है, आज तक कभी उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा गुंडागर्दी का, बहुत साफ नेता हमारा। साल की सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि हिंदुस्तान का क्या हाल हो गया है। आप लखीमपुर का हाल सब देख रहे हो अभी जो है, यहाँ इस तरीके जो है लखीमपुर में तो कितने कांड हुए हैं, हाँ बलात्कारी के, किसानों के ऊपर जो है, हाँ वो तो सब पूरा जो है वर्ल्ड में जो है चर्चे में जो है सब, मतलब लखीमपुर के कांड हुए हैं जी। हाँ तिकोनिया वाला कांड हुआ, उसके बाद जो है निकासन हुआ, हाँ कितने कांड हुए हैं, हर तरीके से इनकी सरकार में सब कांडे तो होते हैं भाई। निरहुआ कांड हुआ, वो जो है कटुआ कांड हुआ, सब इनकी सरकार में कांडे तो होते हैं। वो जो है अपना रवि किशन जो है उनका DNA चेक करने की बात चल रही है, तो इनके तो सारे नेता जो है सब, ये जो आपके शाहजहानपुर के मंत्री थे, अरे उनका क्या नाम, चिमानंद जी, हाँ तो सब इनके तो सब देख लीजिए, इसमें बताने का क्या सवाल, वो तो सारी जनता जानती है, हर जो है पूरे हिंदुस्तान में हर इनके नेता इतने फेमस हैं अपने कामों से कि उसमें बताने को जुड़ते नहीं। क्या नाम है? लल्लू राम। किसकी सरकार बनाओगे? सरकार ही है बीजेपी की बनाएंगे। बीजेपी की? हाँ। तो पिछले साल 10 सालों में जो काम किया सरकार ने कैसा किया? बहुत बढ़िया कर। अच्छा हाँ, वो भी हमको कॉलोनी दिया। कॉलोनी दिया? हाँ। अच्छा।
हमारा शुएब खान। किसकी सरकार बनाओगे? सरकार भैया बीजेपी की है, उसकी बनेगी। अच्छा, तो पिछले 10 सालों में सरकार ने कैसा काम किया बीजेपी ने? सरकार काम कर रही है जैसा, वो तो उसको भी पता है और जनता को भी पता है। तो पूरा विपक्ष मोदी जी के खिलाफ हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भैया विपक्ष खिलाफ हो जाए चाहे ना खिलाफ हो जाए, लेकिन मोदी जी हमारे नंबर वन रहेंगे। क्या नाम भैया? दानिश अंसारी। तो जैसा कि खीरी लोकसभा से किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? हमारा ओवैसी चाहिए, ओवैसी के बस पतंग नहीं, बीजेपी या सपा ना बीजेपी। मोदी जी योगी जी कहते हैं कि हिंदू के लिए भाजपा और ये क्या नाम लो साइकिल के लिए यही वो, और हमारे लिए कोई है नहीं मुसलमान में, तो हम इसीलिए ओवैसी को ही चाहते हैं। आप मोदी जी ने क्या काम किया इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? सब जानते ही हैं जो जो काम किए और जो किसके थे, किसने किए, किसका नाम लग गया, वो हमें क्या पता। और भाई लग रहा है इस बार हमारे लखीमपुर से बीजेपी का मामला। जैसा कि पिछले 10 साल सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। क्या नाम है? किसको वोट देंगे? वोट किसको बताओ उसको दे हम तो सबके साथ में है। माहौल किसका लग रहा है इस बार? माहौल तो बीजेपी चल रही है। अच्छा, क्या नाम है सर? राहुल मिश्रा। किसका माहौल लग रहा है? आएंगे मोदी। आप भैया क्या नाम? भैया मोदी आएंगे। तो लोग पूरा विपक्ष मोदी के खिलाफ हो गए? आएंगे मोदी, विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, आएंगे मोदी। देखते हैं किसका माहौल है किसका माहौल नहीं है, लेकिन है तो मोदी अच्छा।